अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बस्कर। मैं हूं अली सलमान। आज बुल्ले शाह बहुत याद आ रहे हैं। रब रब करदे बुड्ढे हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरानी लभिया सजदे कर कर हारे, रब दिलां दे विच वसदा विच कुरान इशारे। बुल्ले शाह रब तदू लपसी, पता नहीं कदू लपसी, इनसे पूछते हैं अभी। बुल्ले शाह कहते हैं कि हर कोई यार नहीं होता, कभी कल्या बह के सोच। इन्नी मेरी नई अप्रोच, इतने बैठे तुसी चारों यार। मुझे रात को बहुत शिद्दत से शहजाद ये ख्याल आ रहा था कि तेरी शादी क्यों नहीं हो रही यार। इसका पता चला, आप ही बता रहे थे ना मुस्तफ़ा, कि इसने तारा टूटा दुआ मांगी, अल्लाह मेरी शादी कर दे, तारा वापस जाके जुड़े। इसके घर वाले रिश्ता देखने के, उन्होंने कहा लड़की अभी पढ़ी है, कहते कोई बात नहीं, हम घंटे बाद आ जा। ये अस्पताल में था, कहता है दोस्त को, कहता है जा बाहर जाके सिस्टर को बुला, मेरी ट्रिप खत्म होगी। वो पेशावर चला गया सिस्टर को लेने, 3 दिन बाद वापस आया। ये क्या हो रहा है तेरी जिंदगी में मेरे दोस्त? बस मेरे जख्मों पे आज आप नमक छिड़क रहे हैं। आपने जो मेरे जख्मों पे बेसमेंट में वो जो अपने शो पे बुला के छिड़का था, वो भी नमक ही था, बड़ी शिद्दत से। बाय द वे खवातीन, उस रात में आपको बताऊं, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडियंस दैट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड, द जनरेशन नेक्स्ट। और सबसे अच्छी बात शहजाद की ये है कि इसकी जो डाइवर्सिटी है यार, मतलब 180, ये इसकी ना ये स्विंग करता है, ये केपी के से जाता है पंजाब, और इससे पहले कि सिंध में एंटर हो फिर वापस आ जाता है। इसके पॉडकास्ट सुने अगर इसकी, तो यकीन ही नहीं होता ये वही बंदा है जो बेसमेंट में था। नहीं, अगर आपने मेरा बेसमेंट वाला कॉमेडी शो सुना हुआ है, फिर तो आपको पता है मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। बहुत दिनों बाद शादी ना होने से याद आया, कुछ लोगों को डॉक्टर की जरूरत होती है, मसला किसी भी तरह को आखिर में डॉक्टर ही हल करते हैं उसको आके। बल्कि इसका जो मसला वो हकीम का ही था। हकीम से जा रहे, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक। हाँ, नाश्ता भी करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम डॉक्टर यूनुस बट। सीटी नहीं, सीटी भूल गया। सीटी लेट हो गया, आज मुझे भूल गया। आज मुझे शर्ट देखने में टाइम लग गया, क्योंकि आप आज मैंने शर्ट पहनी नहीं। आज काला शाह काला, मेरा काला है दिलदार। डॉक्टर साहब ने नोट किया कि इसके एक बाजू पे टैटू है और दूसरे बाजू पे टैटू है जो बाहर झांक रहा, लेकिन आता नहीं क्योंकि लॉरी बख्शते नहीं है। सर ये असल में बहुत सारे लोग समझते हैं बनवाया, जबकि पैदाइशी है। आपकी पैदाइश होनोलुलु की है ये घर? जब ये छोटे थे ना, तो घर वालों ने बनाया था कि ये बच्चा गुम ना हो जाए, निशानी लगाई हुई। ये बच्चा खुदा की कसम गुम हो ही नहीं सकता है। ये जहाँ जाता है घर वालों को छोड़ के जाते हैं आगे के, ये ले जो जिदा है। अच्छा, बल्कि पूछते हैं कब हो गए गुम। डॉक्टर साहब, ये जनरली एक था शहजाद का, मैं और मुस्तफ़ा अभी बात कर रहे थे, शहजाद कहता है बच्चे की उम्र हो गई है। हाँ। कुछ सोचे इसके बारे में? मुझे तो समझ आया कि शायद वो उसको रिश्ता इज़दवाज की बात कर रहे हैं, और क्या सोच सकते हैं शहजाद के बारे में? देखिए, इस उम्र में जो होता है, हर आदमी के अपने ड्रीम होते हैं। हाँ। अब वो ड्रीम जो है, इसके ड्रीम ड्राई नहीं है, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। देखिए, ड्रीम के बगैर जिंदगी नहीं है। ओके। हर बड़ी हकीकत पहले एक ड्रीम थी। वाह वाह, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वेयर इट ओरिजिनेट। और अल्लाह ताला ने हमें ये एक सलाहियत दी है कि हम वही सोच सकते हैं जो हो सकता है। वाह वाह, उससे आगे हम सोच ही नहीं सकते। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जो आप सोचते हैं वो हो जाता है, वो हो सकता है, हो सकता है, और वो दुनिया में कोई ना कोई वो उसको कर रहा है। वाह, आपकी सोच जहां तक जाती है। मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। कुछ लोग अपने ड्रीम, अपने काम पे इतने फोकस्ड होते हैं कि उनको शादी करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा तो ड्रीम ही शादी करना है, मेरी क्यों नहीं हो रही? आप अपने इर्द गिर्द भी नजर डाला करें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम नहीं आपका। डॉक्टर साहब मसला ये, मेरे इर्द गिर्द सबकी नजरें। आपने गलत कहा, आपके इर्द हैं, गिर्द तो आपके बड़ी खतरनाक बैठी हुई। यार पता नहीं शादी क्यों नहीं हो रही, हालांकि प्रैक्टिस बहुत कर लिए। नहीं, एक मिनट, T20 टेस्ट वन डे सारे कर लिए, मैच नहीं मिल रहा। रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, आपको पता है। लेकिन मुझे बचपन से शादी करने का शौक था। जब मुझसे कोई पूछता था ना कि क्या बनोगी बड़े होकर, मैं कहती थी दुल्हन। तुम्हें किसके बचपन से शौक था शादी? अपने। अच्छा, दूसरे का बचपन मुझे पता नहीं। आपने ठीक कहा कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, डिवोर्सेस सिर्फ जमीन पे होती है। डॉक्टर साहब आज का खाका क्या है? आज जो है हम मुख्तलिफ एंकर्स हैं। वाह वाह वाह, उन पे है ये शैतान बैठा इसके अंदर, की मुख्तलिफ एंकर हैं, गड़ाइयां लेके जागे। आए डॉक्टर साहब प्लीज जी। अच्छा एंकर उसे कहते हैं जिसे पता हो कब बोलना है और कब चुप होना है। मुझे क्यों देख रहे हैं?
मैंने आपका क्या बिगाड़ा? और जिसे ये ना पता हो उसे सीनियर एंकर कहते हैं। कामरान खान एंकर्स के शाहरुख खान हैं। वो शो तो घंटे का करते हैं मगर इतना रुक रुक कर करते हैं कि चैनल को उसे डेढ़ घंटे के स्लॉट में चलाना पड़ता। उनकी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स होती है। मुर्गियां तक अंडे की कीमत ज्यादा करने से पहले खान साहब को बताती है। हसन नसार वो टीवी एंकर हैं जिनके बारे में पूछा जाए वो टीवी पर क्या करते हैं तो जवाब यही होगा, गुस्सा करते हैं। बिल्कुल सही है। किसी को बर्दाश्त करना तो दूर की बात, वो तो ज्यादा देर खुद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुफ्तगू में 5 मिनट हो जाएं और वो शाउट ना करें तो सामने वाले को लगता है या इनकी तबीयत खराब है या इन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। मुबशर लकमान जब एंकर पर्सन नहीं बने थे तब भी एंकर पर्सन ही थे। किसी को दुआ भी यूं देते जैसे धमकी दे रहे हो। किसी को चाय पर बुलाएं तो बंदा मोहब्बत से नहीं पीता, इस डर से पीता है कि ना पी तो FIR ना कटवा दे। वसीम बादामी सबसे अच्छा सेल्समैन है, वो गैर मुस्लिमों को मसल्ले तक बेच सकता है। ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपने 20 मर्तबा भी देखा हो फिर भी देखकर सोचेंगे कहाँ देखा है। आदमी रमजान ट्रांसमिशन हो या कॉमेडी शो हो, सियासी शो हो, गेम शो हो, कोई भी शो हो, ऐसे करता है कि देखने वाले को पता ही नहीं चलता कर क्या रहा है। सलीम साफी इतना धीमा और ठहर ठहर कर बोलता है कि उसके 2 जुमलों के दरमियान आसानी से मरियम नवाज की तकरीर फिट हो सके। वो इतना सॉफ्ट स्पोकन है कि किसी को गाली भी दे तो दूसरा समझता है दुआ दे रहा है। बुजुर्ग उन्हें यूं दुआएं देते हैं, साफी अल्लाह तुझे तरक्की देकर साफा बनाए। साफी साहब अगर एंकर ना होते तो अच्छे लेडीज टेलर होते। इरशाद भट्टी बोलते एंकर की मर्जी से हैं मगर चुप अपनी मर्जी से होते हैं। बैठे हुए इतने हिलते हैं कि लगता है कुर्सी पर नहीं बैठे तत्ते तवे पर बैठे। बातें बहुत फनी करते हैं मगर लोग हंसते उनकी संजीदा बातों पर ही हैं। लिखे पढ़े साफी हैं, टीवी शोज में लोग बोल रहे होते हैं ये लिखा पढ़ रहे होते हैं। अगर वो एंकर ना होते तो जिस तरह सबकी बैंड बजाते हैं अच्छे बैंड मास्टर होते। गरीदा फरूकी के बारे में बिलाशुबा कहा जा सकता है कि वो ऐसी एंकर पर्सन है जिसे सबसे ज्यादा देखा जाता है क्योंकि उसके प्रोग्राम में मेहमान भी बोल रहे हों तो कैमरा गरीदा फरूकी पर ही होता है। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब हमारे आज के मेहमान, इससे मुझे याद है हमारे मेहमान कुछ ऐसे ही हैं। आइए चलें गेस करते हैं कि वो कौन डॉक्टर है। नहीं, इन्होंने जिस तरह के पेशेंट बताए थे भाई, दिल होना चाहिए था जवान। नफ्सियाती है वो। ये आपने डॉक्टर साहब को देख के क्या सवाल किया? नहीं, मैंने आपको देख के किया है। मैं तो हूँ, अगला सवाल पूछें क्या है? जिंदा है या किसी मेडिकल स्टूडेंट के कमरे में डेड बॉडी पड़े? अब्दुल्ला जिंदा है, कायम दायम है, सियासतदान है इसका मतलब। खिलाड़ी है मगर स्पोर्ट्स से कोई तो अलग नहीं। वाह वाह वाह, ये तो पूरी पाकिस्तानी टीम हो गई। नहीं लेकिन आपने बताया नहीं कौन सी गेम की। लॉयर है, इंजीनियर है। चले मैं आसान कर रहा हूं। आजकल जॉगिंग के लिए पुलिस का हॉर्न लगा दो तो वो दौड़ना शुरू हो जाते हैं। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पार्टी के लोग सारे बेचारे अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही हैं। अच्छा, वो एक काम कर रहे हो उसको छोड़ के दूसरा काम करने लगे तो वो समझते हैं कि तब्दीली ले आए। पार्टी भी, सायरन भी, भागना भी, तब्दीली भी, बहुत करीब आ गए आप लोग। वैसे कहीं उनका नाम किसी खातून वाला तो नहीं? नहीं, खातून वो एक कुछ नाम होते हैं जो दरअसल नामों की भी कुछ जिन्स होती है। वैसे नामों की होती है तो बस कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल में भी होते हैं। जैसे फरदोस जमाल साहब से किसी ने पूछा था कि फरदोस पंजाब में तो खातून होती है, उसने कहा अटक के पार जाओ तो मर्द होता है। अब आप लोग तकरीबन सारे पहुंच गए, PTI से हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके हुए हैं, इंजीनियर भी हैं, बाहर भी पढ़कर आए हुए हैं। डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से तशरीफ बुलाया जाए मेहमान? जी बिल्कुल बिल्कुल। खवातीन हजरात, हमारे आज के मेहमान लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, PTI से ताल्लुक है। आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं बहुत सारे सवाल है, मुझसे ज्यादा मुस्तफा के सवाल है जो उनसे पूछेंगे। आप सब की तालियों में तशरीफ लाते जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर।
मुस्तफा को देख के मैं देख रहा हूँ, आपको ज्यादा खुशी नहीं हुई फिरदौस भाई? क्यों नहीं, मैं सब नौजवानों को देख के हमेशा बहुत खुश होता हूँ। माशाल्लाह, सिर्फ बात ये एक ही बात का काम होता है, अपनी जवानी याद आने लगती है। अभी आप जवान हैं। ये देखें, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, लाइफ स्टार्ट एट 40। ठीक है, तो अभी 10-15 साल के तो हैं आप। नहीं नहीं, आपका असल में अंदाजा गलत है। अच्छा, मैं 67 ईयर हूँ। ओ माशाल्लाह, 67 ईयर्स यंग। तो हम अपना फिगर चेंज करते हैं, लाइफ स्टार्ट एट 40, 60। नहीं तो फिर तो 7 साल। भाई बात ये, आई एम ऑलवेज यंग एट हार्ट, देयरफॉर आई आइडेंटिफाई। ओह यस, व्हाट डज एज मैटर इन दैट केस, आई एम अ वुमन एनीवे, माय नेम इज फिरदौस। नहीं डॉक्टर साहब, इन्होंने पूरा जुमला मुकम्मल नहीं किया था, ये असल में ये इनका एक क्लिनिक भी है जहाँ ये बाद में आप ये दवाइयों का जिक्र वो आपने चूंकि वुमेन का, तो एक फिरदौस आशिक अवान साहब आपकी पार्टी में रही, वो एक पाई की सियासतदान है, चार पाई में चार पाई होते, बाकी तीन कौन से थे? एक पाया तो आपने निकाल दिया, बाकी तीन कौन से थे? आप अगर फिरदौस हो जाओ तो एक पाया तो मैं हो गया, दो हो गए, ठीक है ना। अब आपको बाकी दो देखते हैं तो सबसे बड़ा हेडबोर्ड तो इमरान खान है। हाँ, और आजकल असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, एक नहीं पाया हमने, फिरदौस आशिक की जगह परवेज लाई। परवेज लाई। वैसे ये इस पे ही है डॉक्टर साहब, ऐसा कभी हुआ कि कोई फिरदौस आशिक को मैसेज भेज रहा था गलती से व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया? एक दफा नहीं, बहुत दफा हुआ। खास तौर पे मुझे कई दफा जो है बड़ा गुस्सा भी आता था, ये टीवी वालों में फिरदौस आशिक की ज्यादा डिमांड थी, मेरी कम थी। बहुत सारे के पास मेरा नंबर होता था तो वो फोन आता था कि जी आज आप आ जाइए, फिर मैं कहता जी आप किस फिरदौस की बात कर रहे हैं? अच्छा आप फिरदौस आशिक नहीं बोल रहे? मैं कह मेरी और उनकी आवाज में कुछ फर्क है? आवाज से तो सेम ही लग रहे। साहब आपको समझ आ गया कौन कॉलिंग करता था? आवाज से तो सेम ही लग रहे थे। मामला सिर्फ मैसेजेस तक रहा या कभी तस्वीरें भी आ गई? पहले मुस्तफा ये समझा दो, मेरी आवाज निस्वानी है या उनकी मर्दानी है? Take a short break, stay with that. We'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर। हमारे साथ फिरदौस भाई हैं और यकीन करें कि हमने हरगिज नहीं सोचा था कि वी विल गेट टू सी सच अमेजिंग साइट्स ऑफ अ जेंटलमैन लाइक हिम। आप कुछ वैसे ये डॉक्टर साहब का सवाल था, ये देखे भी मुस्कुराना शुरू कर देंगे। 1996 में आपने, आरिफ अलवी साहब ने और नजीब हारून साहब ने बैठ के एक पार्टी की बुनियाद डाल दी, तो मुस्तफा कहते हैं हम आज तक भुगत रहे हैं, उनको बताएं हमें इतनी होप देकर, इतनी उम्मीद देकर, इतना तब्दीली का वो देखे, तो हम फंस क्यों गए फिर आकर? सर हम नहीं बचे। फिर कौमों की तकदीरें तब्दील करना जो है आसान काम नहीं है। लेकिन एक सवाल है सर, ये बड़ा सीरियस सवाल है, आपने जिस तरह मोबाइल पकड़ा हुआ है, या तो आपको डर आप कुरंगी में बैठे कोई ले जाएगा, या भाभी का फोन आने वाला है, जो वाहिद फोन है जो हम सारे उठाते हैं, ऐसा कोई चक्कर है? नहीं नहीं, बात ये मैं अपने सेक्रेटरी को साथ लेके चल रहा था, अभी मैं सेंसस के बारे में पढ़ रहा था। पक्की बात है, आप यहाँ रख सकते हैं? मतलब यहाँ नहीं, यहाँ रखना नहीं है, रखने की वजह ये, बाकी सब चीजों में तो है भूल की आदत बहुत है। ये सिर्फ फोन की हद तक है? बहुत सारी चीजों में आपकी बातें भी भूल जाऊंगा, वरना ये गम मैं कहां लेके चलूंगा। वाह वाह, फोन में कुछ ऐसा तो नहीं है जिसका लीक होने का डर हो? आजकल तो जरूरत ही नहीं है, वो हर वक्त सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, मैं बताते रहता हूँ कि मैं ये करने जा रहा हूँ। बल्कि अभी भी सुन रहे होंगे सर, हमारा भी सलाम कह दे। भाई ये सारे बच्चे आपको सलाम कह रहे हैं, और आप हमारा पीछा छोड़ दीजिए, हम सांसदानों को काम कर लें, आप कौम की सिक्योरिटी का ख्याल। अब सवाल ये था कि ये वो सुन रहे थे या वो सुन रहे हैं? ये वो और वो कौन है? एक थे एक हैं। इसमें थे की कोई वैल्यू ही नहीं होती। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। या लॉन्ग लिव द किंग। मैं आजकल सिर्फ एक ही किंग जानता हूँ, कराची किंग्स। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपकी टोपियाँ बहुत मशहूर है, वो वाली नहीं? ये देखिए, मैंने एक काम किया जरा बेटा, तो आज आप टोपी पहन कर? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने दूसरों को टोपियां पहनाने के बजाय खुद टोपियां पहननी शुरू कर दी। सर क्रिकेट वाली जो टोपी है, ये है मेरे ख्याल में टोपी करवाने वाली टोपी। क्रिकेट में भी बहुत सारी टोपियां पहनी जाती हैं, फ्लॉपी भी पहनी जाती है, आजकल मैं हेलमेट पहन के घूम रहा हूँ। आजकल सारे हेलमेट पहन के घूम रहे हैं। पहले जमाने में टर्की में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता था ना, तो सब टोपी पहनते थे। ये हेयर ट्रांसप्लांट वाले जो है ना, जाली दुकान खोले हुए, नवाज शरीफ ने कराई थी, फिर गंजा हो गया।
किसी के गंजे के सर पे नाखून नहीं होते, किसके अकल के। ये मुझे साजिद हसन भाई याद आ गए, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने भी लगवाए थे लेकिन उनकी वहाँ गोडी रह गई थी, काश्त नहीं हुई थी उसपे। वैसे अच्छा खैर चले, वैसे मैंने सुना है जिनके बाल गिरते नहीं है उनके बाल लिए जाए, तो आप बता दीजिए ये आपके असली हैं कि नकली हैं। ये मैंने वापसी में टोपी वापस कर दी है, ये हम उसके पास मुश्तार लेते हैं। नहीं, मैंने कहा कि मुझे अच्छे लग रहे हैं, अगर कभी ट्रांसप्लांट की जरूरत हो तो आपसे मांग लेंगे। हमारा सेगमेंट है उसका नाम है बोलती तस्वीरें, हम आपके सामने यहाँ पे मुख्तलिफ तस्वीरें डिस्प्ले करेंगे एंड ऑल ऑफ अस। मुझे डर लगता है जब आप मुझे भाई कहते हैं कि मुझे अपनी हरकतें ना तब्दील करनी पड़े। आपने मेरी हरकतों पे आने से पहले या 5 मिनट डायरेक्टर के पास से होकर आए? नहीं नहीं, मैं तो इशारा कर रहा था, ये भाई एमकेएम वालों ने शुरू किया था। अच्छा वो वाला हमारे यहाँ बड़ों को जनाब, इज्जत माँ, हजूरे वाला, ये अलकाब दिए जाते थे। ये भाई का सिलसिला कहाँ से शुरू कर दिया? बम्बई के भाई बहुत खतरनाक होते हैं। ये इनका उनके साथ कोई अच्छे चलने का नहीं। भाई का सिलसिला तब से शुरू हुआ था कि भाई एक वाहिद रिश्ता है जो बंदा अपनी मर्जी से नहीं बनाता, वो खवातीन खुद डिसाइड करती है। भाई का रिश्ता वो होता है जो अल्लाह बनाता है, हम अपनी मर्जी से सिर्फ दोस्त बनाते हैं। जिस खातून ने आपकी लाइन नहीं लेनी होती वो फौरन आपको। इन्होंने आप में भी रिसर्च किया, मैं कल्ला नहीं आ। हम अब शुरू करते हैं जी। जरा ये क्या हो रहा है? मेरे ख्याल कैच पकड़ना चाह रहे हैं। इन्हें क्रिकेट का लेसन मिला है। ओके, खान साहब ने कहा कि आपके हाथ साफ नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये भी अपने लेक्चर के पैसे मांग रहे हैं कि इससे ज्यादा दो। हाँ, लेकिन उन्होंने बता दिया कि खान साहब गेट्स मोर मनी देन ट्रंप। ये कह रहे हैं मेरे अमरीकियों घबराना नहीं। मेरे रेडनेक अमरीकियों। ये बोलता है कैसे वैसे मुस्तफा? हाँ देखा ही है। अच्छा, इसकी कोई ऑडियो नहीं सुनी आपने? लीक ही नहीं हुई, उन्होंने नहीं की। दूसरी चीज ऑब्वियस है ना, वो कह रहा है माय लिप्स आर सील्ड। माय लिप्स आर सील्ड, ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई कैच कर रहे हैं कोई चीज। अच्छा डॉक्टर साहब, की कैच करा रहे हो मुंडे ने? मैं हर रास्ते बता रहा है, रास्ते बता रहा है। ये भी लग रहा है कि नुसरत फतेह अली खान के पीछे बैठा हुआ है, तालियां बजा रहे हैं। पहुंची वहां पे खाक जहां का खमीर था। ये आजम खान ने दुपट्टा कब से पहनना शुरू किया? या मुइन भाई से फोन करके पूछ। ये मेरे ख्याल में मीडिया चैनल्स पे पहुंच गई है क्योंकि आपको बुलाना था, इनको मैसेज कर दिया। अब बाहर क्रिकेट खेल रही है। ये PAL जो है ना उसकी इफ्तिताई तकरीब है, पाकिस्तान आशिक लीग। खान साहब स्माइलिंग लुकिंग एट हिम कि इनु होया की है। ये मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं इमरान खान साहब से कि भाईजान ये तोशाखाना कितने का लगा दिया? डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? ये वो कह रहा है कि हाथ पिलाना सिर्फ पाकिस्तानियों का काम नहीं है, हम भी यही काम करते हैं। कैसे कह रहे हैं कि ओहो बस 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 बहुत हो गया। मेरे ख्याल है खान साहब ये सोच रहे हैं कि ट्रंप तो मुझसे भी बड़े पठान। अरे आप लोगों को कहानी समझ में ही नहीं आती। बहुत अब हम आपसे इसीलिए आपके पास आए ना। बात ये है, खान साहब ने कहा कि मैंने अपने हाथ अभी दिखाई नहीं है, तुमने जो दिखाना है दिखा दो, जब मैं दिखाऊंगा तो तुम रोओगे। जैसे अफगानिस्तान में रोए। आगे चलेंगे। अरे वाह, ओए आशिर अजीम भाई। ये किसी बात पे खुश हो रहे? ये भी इन्होंने भी होप दी थी ना, होप पे इलेक्शन जीता था। नहीं नहीं, कह रहे हैं मेरी उंगली काफी है। ये वो एम्पायर है? नहीं नहीं, उंगली काफी है। जहां दुनिया में कोई गड़बड़ हो इनकी उंगली नजर आएगी। वाह 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 वाह, सीरिया देख लो, यमन देख लो, जहां देखो कि गड़बड़, पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, ये बड़ी बदबूदार उंगली है। नहीं लेकिन फिर जब ये अगर बदबूदार उंगली है तो खान साहब आए थे, आपने तो हमें पूरा हाथ दिखाया था, खुशबू वाला है, खुशबू वाला हाथ, लाची सुपारी पान हमें खिलाया था। हाथ दिखाया था कि आओ इस पे बैत करो। नहीं लेकिन आप लोग सब बैत कर लीजिए, इंशाल्लाह खुशबू में तब्दील हो जाएगी। बैत के लिए हाथ है। लेकिन वो हाथ फिर उस वक्त तो आप ट्रंप के साथ शेक करके आए थे ना, हमें तो आपने उस वक्त भी होप दी थी। अब आप कह रहे उंगली है साथ में। देखे फर्क है कि आपको पता होता है कि आपको कुछ चीजें हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अच्छा फिरदौस भाई ये बताइए कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे, मैं हर पॉलिटिशियन से जानना चाहता हूँ ये पैसा बनाते हैं और कैसे बनाते हैं? ये बनाने के तो बहुत सारे तरीके, हमें कोई गाइड कर दे। मेरी कोशिश सियासत में आने की थी ये पैसा बनाने वालों को पकड़ के एक्सपोज कर दूं, तो इसलिए मुझे बताने में कोई इतराज नहीं है। पहली चीज ये कि हर काम कराने के ऊपर पैसे मांग लेते। अच्छा। दूसरी चीज ये
के असर व रसूख इस्तेमाल करने के, क्योंकि वो मैं जान गया हूँ। जैसे आपके शो में मैं जान गया, अब किसी को बड़ी ख्वाहिश हो रही है कि आपके शो में आए, तो मैं कम ले आता हूँ, सिर्फ 10,000 रुपए का खर्चा, 5 आपके 5 मेरे। नहीं, ये तो फिर यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। ये वो क्या, ये पुत्र हटा दे नहीं विक दे, 5,000 में तो ये अंदर दरवाजे के किसी को नहीं आ। सर, ये किसने कहा कि मैं रुपयों की बात कर रहा हूँ? कोई 3 दिनार की बात कर रहा था। वाह वाह वाह, गप्पे लगती रहेंगी यहाँ पर, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक सवाल बहुत जल्दी जल्दी फिर दौड़ भेजे, हु इज योर फेवरेट एंकर बाय द वे? ये जितने सारे रात को 8 से लेकर 12 बजे तक तमाशा लगा के बैठे होते हैं। देखिए, ये सवाल कभी भी नहीं पूछेंगे एक सियासतदान से। इससे अगर ये मैंने कह दिया तो वो मुझे बुलाता नहीं है, तो मैं उसकी उसको सबसे फेवरेट कह दूं, ठीक है ना? मुझे तो बहुत सारे नहीं बुलाते, इसलिए मैंने कहा तो मैं किस किस का नाम लूं। आपके वैसे यू सिंध वालों, आप हम एक चीज और बड़ा ऑब्जर्व करते हैं फिरदौस भाई, जब सिंध असेंबली की स्पीचेस हम देख रहे होते हैं, या अब तो खैर नेशनल असेंबली, बहुत हार्श हो जाते हैं हमारे पॉलिटिशियंस। ये ऐसा क्यों होता है? मतलब आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम खुदा ना खास्ता एक दूसरे के साथ यहाँ पे फामो तफीम से नहीं बैठे हुए, तो हाउ वुड यू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और व्हाटएवर? आई थिंक सो, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे, मैं समझता हूँ कि असेंबली में हार्श होना ही नहीं चाहिए। असेंबली में आपको अपनी बात रखनी चाहिए, बिल्कुल, और उसको अल्फाज के जरिए कहिए। अल्फाज में आपके चुनाव में कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो तहजीब के दायरे से नहीं हटनी चाहिए। मैं असेंबली के फ्लोर के ऊपर किसी की जाती शख्सियत पे बात नहीं कर सकता, उसके कौमी किरदार पे जरूर बात कर सकता हूँ। इससे कि जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो आपकी लाइफ प्राइवेट, ठीक है ना? अगर मेरी जिंदगी का कोई पहलू मेरे किरदार के ऊपर या उस किरदार की अक्कासी कर रहा होता है तो उसको उजागर करने के लिए कोई जिक्र कर सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता इस मोटे की बात क्या सुननी, इस छोटे की बात क्या सुननी, इस गंजे की बात क्या सुननी, ये असेंबली की जबान। अच्छा, ये तो हम फिरदौस भी आपको ना रात रात वाले टॉक शोज में देखते हैं, तो दिस वी कीप, ये बताएं हाउ रोमांटिक अ पर्सन यू आर? बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज? नहीं, आफ्टर मैरिज, असल तो रोमांस आफ्टर मैरिज ही होना चाहिए, बिफोर मैरिज तो जी असल में वो कहते हैं होती है। असल में पाकिस्तान के अंदर क्योंकि अरेंज मैरिजेस होती हैं, तो द रोमांस आफ्टर स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द मैरिज। डिड यू अरेंज योर ओन, और या बड़ों ने की थी? अरे मेरे साथ जो है ना दूसरा मामला हो गया, मेरी शादी हुई है मेरी फर्स्ट कजन के साथ। ओह, तो आई न्यू हर बिफोर, और बड़ों ने अरेंज की थी। डोंट टेल मी यू वर नॉट हैप्पी? नहीं नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम स्टिल सिंगल एंड मैरिड, आई एम सिंगली मैरिड। अब जो असल बात वो स्लिप ऑफ सियासतदानों के लिए जब ये कहा जाता है ना सिंगल, खुले होते हैं सिंगल, तो उनका रिकॉर्ड अगर आप ज्यादा देखें ना तो दो दो तो सबने की हुई है तकरीबन। अच्छा, मेरे लीडर ने 3 गिर चुके हैं, आप देख लीजिए। हमारे ऑपोजिशन लीडर जो मेजर सक्सीड के अलीम आदिल शेख साहब, 2 उनकी भी हैं। नहीं तो फिर आपने उनसे क्यों नहीं कुछ सीखा अच्छी चीजें? मैंने असद उमर से सीखा, वो क्या असद उमर मुझसे छोटा है। अच्छा असद, असद बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, हैज ऑलवेज बीन अ पोस्टर बॉय फॉर अस फिरदौस भाई। आपने जब उनको प्रमोट किया, एक वो आतिफ मियां भी थे, चलें दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, तो फिर व्हाई डिड असद नॉट डिलीवर टू द एक्सपेक्टेशंस? यस, नहीं एट दैट टाइम इनिशियली ही डिड, फिर चेंज क्यों किया आपने उन्हें? कितनी दफा खान साहब माफी मांगे हैं, उन्होंने बाजवा की बात सुन ली थी। हमारा अगला सेगमेंट है फिरदौस भाई बोलती बंद, तो हम यहाँ पर कोई भी एक एक्ट प्ले करेंगे, उसमें से कोई भी एक लफ्ज जो है म्यूट कर देंगे, फिर हम सारे गेस करेंगे वो वर्ड क्या था, प्ले करेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, ये हकीकत अगर पिछली दफा नहीं समझ में आई थी अब पूरे सिंध को समझ में आई। और दूसरी बात भी सही है, जब इतना पानी आता है तो और हुकूमत सिंध के साथ यही। तो दोस्त भाई कह रहे हैं कि ये हकीकत है कि ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, ये भी हकीकत है, अगर पिछली दफा समझ नहीं आई थी अब पूरे सिंध को आ गई, और दूसरी बात भी सही है, जब इतना पानी आता है तो डैश, वही है जो आप सोच रहे हैं। लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ मैं चाहता हूँ आप अल्फाज में अदा कीजिए। नहीं, नहीं, बात ये है कि सवाल पूछा जाता है कि दूसरे की जहनी काबिलियत मालूम करने के लिए, ये घुमाने वाली बात जो होती है ना,
वो सियासतदानों को सूट करती है, नौजवानों को नहीं। यानी आप कह रहे हैं नौजवानों को सियासतदान नहीं होना चाहिए? बनना है लेकिन घुमाए मत। आपने ईमानदार सियासतदान बनना है। ये उनका फोन आया जिनके बारे में बात हो रही थी, इसलिए वो अभी नहीं उठा रहे। बात सही कह रहे हो, नंबर नहीं आया। वो भी जानना चाह रहे ज्यादा बारिश पे क्या हुआ था। वो कह रहे थे ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा होता है। जब ज्यादा पानी आता है तो डूबने का डर होता है। तो डूबने का डर होता है, वो तो आंखों में भी होता है, इसलिए आप पानी पे सिर्फ फोकस ना कीजिए। नहीं, नहीं, उसमें मर सकते। जिनके पास शर्मो हया होती है उनके लिए चुल्लू भरी काफी होता है। अगर सिंध के हवाले से बात है ना, तो फिर क्या कि जब इतना पानी आता है तो फिर इतना पैसा आता है। पानी आती है या आता है, पहले तो सिंध में यही फैसला करना पड़ता है, आती क्या है और आता क्या है। मुस्तफा, इस पे आप हमें इनलाइटन कीजिए, कैसे फैसला करा जाए? जब ज्यादा पानी आते हैं तो ज्यादा बारिश हो रहे हैं। उन्होंने आता है और आती है किया था, उन्होंने आते है कर दिया। आते है कर दिया जी। आप जरा कुछ कह रही थी। वो कहते हैं मैं सिंध में रहती हूँ। मैं कह रही थी जब ज्यादा पानी आते हैं तो ज्यादा खर्चा होता है। नहीं, जब वो तो कह रहे हैं आते हैं, जब ज्यादा पानी आते हैं तो ज्यादा पैसा आते हैं। आता नहीं है, जाता है। यहाँ का तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, ज्यादा आता है ज्यादा कमीशन मिलती है। ज्यादा कट मिलता है, फिर लंदन में एक फ्लैट और बनता है। ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा फोटोशूट होता है। ज्यादा फोटो, बिल्कुल सही बात है, फिर लॉन्ग बूट भी चाहिए होते हैं। अच्छा जी, खैर फिर ये आपने क्या कहा था शबीब ने बताया? मैं क्यों बताऊं? इन्होंने कहा था कि इतना पानी होता है तो कांपे टांग जाती हैं। ये क्या है कि कांपे क्या चीज होती है बच्चों? हाँ, एक भी ठहरे जरा, बच्चों बताओ। जरा ये तो बताओ बच्चों कि कांपे क्या? प्यारे बच्चों, तुम्हारा तो ये फोटे है, ये कांपे कौन सा लम्स है? बाय द वे, शहजाद इज अ लम्स ग्रेजुएट। इन्होंने थिएटर पढ़ा हुआ है अमेरिका से। अच्छा। और इन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है डॉक्टर साहब के कहने पे फाइन आर्ट्स के लिए। जबरदस्त। आप बताओ कांपे कैसे टांगती है? ये तो टांगे कांप रही हैं। इसमें कांपे कहाँ हैं? ये अगर आप उल्टे खड़े हुए हो तो वो कांपे टांग जाते हैं। जब उर्दू जबान की क्या की जाए, हमशीरा और वालदा के साथ ट्रेवल किया जाए, स्पेस जर्नी में जाया जाए, ये तो होगा तो फिर जबान की टांगे कांप जाती हैं। चापो मेक्सिको मेरे ख्याल में। ये फिरोज भाई है। फिरोज भाई ये देखे अल चापो जो आप कह रहे थे, ये क्या हो रहा है मुस्तफा बताएं? मेरे ख्याल में काउंटिंग के लिए खोल रहे हैं। काउंटिंग के लिए ये खोल रहे हैं, इज नॉट अ प्रेजाइडिंग ऑफिसर। मुझे लगा वो ब्रेकिंग बैड में जिस तरह मैथ बना रहा होता है ना, मैथ नहीं चलेगा। सर लगा जैसे पैसे जमा कर रहे हैं किसी मनी बॉक्स में। मनी बॉक्स में से, ये वैसे इलेक्शन से रिलेटेड है, मुझे आपकी सोच बड़ी अच्छी लगी। आप ही कह रहे हैं बैलेट बॉक्सेस, मनी बॉक्सेस, मनी पैसे भी जमा हो सकते हैं ना। शुरू वहां से होते हैं। हाँ। रास्ता जर्नी पाकिस्तानी मनी हाइस्ट। मनी ये उसका, हाँ ये वो पाकिस्तानी मनी हाइस्ट है, ये पंजाबी फ्लिक्स पे चलेगा। डॉक्टर साहब क्या मुझे लगता है कि जो है फरदोस साहब जो है उनको लगा कि बहुत ज्यादा हमारे वोट हैं, तो उन्होंने कहा एक एक करके क्या डालने हैं, खोल के डायरेक्ट डाल। जबकि इसका एक्चुअल बैकग्राउंड है कि आप गए और वहां पे कोई भी नहीं था स्टेशन पे और आपने जाके वीडियो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं था। बताएं ना सर क्या हुआ? भाई हुआ ये कि मैं ये सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तकरीबन यही काम करता रहा। मैं कैंडिडेट था और मैं चेक करने जा रहा था कि क्या हुआ, तो मैं इस जगह पे गया तो मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि ये बैलेट सील नहीं हुआ बॉक्स। बिल्कुल ठीक। तो वो कहने लगा कि ये बिल्कुल सील्ड है प्रॉपरली। अगर सील्ड है प्रॉपरली तो मैं दिखा देता हूँ। मैंने खोल के सारे दिखा रहा था उसको कि भाई इसको सील को ही कहते हैं। असल में उनको सीलिंग करनी नहीं आई दिखाई सिखाई गई थी। ये हमारी ट्रेनिंग थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। उसके ऊपर क्योंकि उसको मैंने कहा मियाँ जो काम करते हो उसको सही तरीके से तो कर लो। फिर मैंने बकायदा ये सारे डिब्बे सील करवाए अपने सामने खुद। अच्छा, ये सीलें इतनी ख़राब हो गई थी 6 महीने बाहर धूप में पड़े पड़े, जिस तरह गल सड़ जाता है निज़ाम, ये सीलें भी इतनी ख़राब हो चुकी थी। मुझे गाड़ी से प्लास मंगवाना पड़ा, फिर प्लास से खींच के अगली एक वीडियो में आपको वो भी नज़र आएगा कि मैं प्लास से टाइट कर रहा हूँ सीलें। जब ये सीलें टाइट हो जाती हैं तो इनको काटना पड़ता है, ये खुलती नहीं है इस तरह जिस तरह मैं खोल रहा था। तो मैं, ये आपके निजाम की हालत है आप समझे, ये आपका बैलेट बॉक्स की
properly sealed होने के सबूत है. If this is how elections are conducted in this country and presiding officers tell that this is a properly sealed box, then the whole election commission, including its chief election commissioner, should be put before the firing squad. Yeah, this is a polite way of saying bus kar. bus kar. Choti si break kahi mat jayega. We'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. वेलकम टू आवर सेगमेंट मोबाइल कोर्ट. और आज हमारे साथ मोबाइल कोर्ट में मुलजिम मौजूद है जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब. और चूंकि वो सियासतदान है तो सर हम आपसे हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि आप हाथ उठा के कहें कि मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, बिकॉज पॉलिटिशियंस झूठ तो बोलते ही नहीं. सर मैंने जिंदगी में पहला ओथ ही ये लिया था कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, चाहे सियासतदान हूँ चाहे कुछ भी. इसके अलावा सर आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं हूँ ना किबला आपकी सफाई पेश करने के लिए. आप सिर्फ अपनी जेब गरम रखिए और उनके उधर की जेब गरम करते रहिए. मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फैसला मेरे हक में हो जाएगा. थोड़ी जेब आप भी मेरी गरम कर दीजिएगा. वो आप फीस ले लेते लेकिन वादा कीजिए टैक्स देंगे उसको. 150 कौन सी फीस होती है? हैं जी 150 रुपए कौन सी फीस है सर? 150 रुपए लेते हैं सिर्फ. सस्ता फिर काम के नहीं है. ये शाम को गुड्डी के बाल भी बेचता है सर. सर अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दीजिए. जी कार्रवाई शुरू करें. सर आप पर इल्जाम ये है कि हजूरे वाला, पहला इतराज ये सर नहीं है, हजूरे वाला है. जनाबे आली प्लीज आप उर्दू जबान के साथ, उर्दू में लव सर नहीं है, हजूरे उसके वाला मतलब जो है वो मेरा सर हाजिर है. हजूरे आप वाला इनको सर ना कहे, मेरा सर ले जाएंगे कहीं. फिरदौस साहब आप पर इल्जाम ये है कि आप जुडो कराटे के चैंपियन हैं, मगर इतने नर्म दिल हैं कि आपने आज तक कभी उनका इस्तेमाल ही नहीं किया. नरम दिली का जूडो कराटे से क्या ताल्लुक? और ये इल्ज़ाम कैसा इल्ज़ाम है जिसके अंदर कोई सज़ा क्या पता है? सज़ा बताएं तो फिर हम इल्ज़ाम को कबूल करेंगे या उसको ही नफी करेंगे. सर सज़ा अगर तो सज़ा जूडो कराटे में किसी के साथ जफ्फी डालनी हो तो फिर सोचना पड़ेगा. आपके पास दो ऑप्शन है जी. मेरे मौकल बहुत शुस्ता उर्दू बोलने वाले शख्स हैं, ये उर्दू से ही ऐसा काम चला लेते हैं कि जूडो कराटे की जरूरत ही नहीं पड़ती. इन्होंने अशरफ ताई को ऐसे ऐसे उर्दू के लफ्ज बोले हैं कि वो लखनऊ निकल पड़ा है कि इनका मतलब ढूंढे फिर आगे फाइट करे. इसके साथ साथ अगर इजाजत हो तो ऐड कर दूं कि किसी शायर ने कहा है मौत क्या है किसी मेमन का गजल खा होना. सर आपने नारा लगाया रोक सको तो रोक लो, पर ये वाजे नहीं किया कि आपने रोकना था या आपको रोकना था. रोक सको तो रोक लो जो कह रहा है, बात यह है और किससे कह रहा है. जिससे कह रहा है उसको रोकना है, जो कह रहा है वो चैलेंज कर रहा है कि मुझे रोका नहीं जा सकता. अगर उर्दू जबान का इतना भी नहीं समझ में आए तो आप समझ लीजिए कि इमरान इस्माइल साहब जो है वो ये गाना गा रहे थे रोक सको तो रोक लो, और कह क्या रहे थे तब्दीली आई रे. ठीक है जी, तो रोकने के क्या है, वो कह रहे हैं तब्दीली आएगी, लाएंगे वो खुद, तो उनकी तब्दीली तो हो गई, गवर्नर हाउस से वापस अपने घर. तो अब जो है रोकना हम सबको है कि वो दोबारा गवर्नर हाउस पहुंचे. और ये पहले सिंगर हैं जिनका गाना बहुत मशहूर हुआ है, कॉन्सर्ट एक भी नहीं मिला. आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हाईवे एंड डिजाइन मटेरियल में मास्टर हैं. कराची में चोरियां इतनी हो गई, सुबह उठो तो घर के सामने की सड़क चोरी हो जाती है, आप उस पर क्यों कुछ नहीं करते? अगर आप ये पूछते ना तो आपको मेरी पूरी आबे हयात नहीं पूरी आप बीती मिल जाती है. वाह, इसे कि मैंने ये मास्टर्स करने के बाद पाकिस्तान आने के बाद कोई सड़क बनाई. जबरदस्त. लेकिन आपने हर सड़क पर नजर तो रखी होगी ना. हर सड़क पर नजर रखने के बाद फैसला किया कि रिस्क हलाल की नहर यहाँ से नहीं जाती. शहर में इतनी बारिशें होती है जज साहब, इतनी बारिशें, इतना पानी होता है कि मैं गुलिस्तान जौहर में रात को सोया, बारिश हुई सुबह फेज 8 में था मैं. आप अकेले थे? राबिया सिटी आधा कुछ ब्लॉक उसके खैबानी सभा पे आ रहे हैं. महफीज लॉ है, जिस हफ्ते सड़क मुकम्मल होती है उससे अगले हफ्ते उसे पाइप डालने के लिए खोद दिया जाता है. हजूरे वाला पहले ये बताइए इस कानून का नंबर कौन है, इसे कि ये आपने कानून अपनी तरफ से बनाया है? जी सर, ये तो हमारे मुसन्निफ ने महफीज लॉ को अपने आप को बदनाम करने की कोशिश की है या मियां मर्फी को? मियां मर्फी शरीफ. और वैसे ही मेरे क्लाइंट जो है वो मर्फी लॉ से ज्यादा बर्फी लॉ पे यकीन रखते हैं कि एक खाओ तो चार वैसे ही दिल करता खाने. आप जावेद बर्फी का जिक्र कर रहे हैं या बिजली का जिक्र कर रहे हैं? बिजली जो है वो मुजक्कर है या मुअन्नस है? सर ये आजकल जो फैशन चल रहा है में इसका पता नहीं चलता कि मुजक्कर क्या होता है और मुअन्नस क्या होता है. अब आपको भी पता है मुअन्नस क्या होता है? ये LGBTQ की कोई बात है? मुझे नहीं, आती है या जाती की बात है. बहरहाल वो मैं आपको करेक्शन करता चलूं वकीले से, भाई बर्फी लॉ नहीं है, बर्फी ला है. अच्छा सर आप पर इल्जाम ये है, आप जब तक खुद
बैलेट बॉक्स खोल कर ना चेक कर लें, आपको यकीन नहीं आता कि शफाफ इलेक्शंस हो रहे हैं। मेरे ख्याल से क्या ये आरजू ही रह जाएगी, ये कभी पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात में से ख्वाहिश है। अल्लाह करे मेरी ये आरजू पूरी हो और इसी जिंदगानी में देखने को मिल जाए कि पाकिस्तान में फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाए और वैसे भी बैलेट बॉक्स आजादाना और मुनसिफाना इंतखाब हो जाए, इससे पहले कोई मुझे कहे कि आपने अंग्रेजी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। वाह वाह वाह। सर आप पर इल्जाम ये है कि आपको गालियां नहीं आती, तो फिर आप अपना ट्विटर अकाउंट कैसे चलाते? आपको उर्दू नहीं आती मियां? इतनी गालियां दी इतनी सख्त उर्दू में पता ही नहीं चला। सख्त उर्दू में नहीं कहा जाता, सलीस उर्दू कहा जाता है इसे, कि उर्दू कभी सख्त नहीं होती, उर्दू बड़ी नरम जबान है। सर मैं परसों से आपके पास ट्यूशन पढ़ने आ रहा हूँ। हालांकि क्लास आज तुम्हारी 4 बजे फिक्स। जज साहब दैट इज ऑल, अब आप अपना फैसला सुना सें। इससे पहले कि फरदोस साहब मेरे फैसले में उर्दू और अंग्रेजी की गलतियां निकालें, मैं इनको यही सजा देना चाहता हूँ कि इन्होंने जितनी हमारी उर्दू जो है और अंग्रेजी गलत सुन ली है, यही इनकी सजा है। और आखिर में इनके लिए एक शेर है, इरशाद, राइट नहीं सजा देना सियासत का ये राइट है, ब्लैक अगर है पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन तो वाइट है। बहुत मैंने स्पीक लिया, कोर्ट बर्खास्त होती है, नेक्स्ट केस में आपसे फिर मुलाकात। थैंक यू सर। तरबेला में एक स्कूल है, तरबेला में वापडा कॉलोनी के अंदर, जहाँ 155 स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल एबिलिटीज वाले, वो दुनिया में जाते हैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स और दे ब्रिंग लॉरल्स फॉर द कंट्री, वो अनसंग हीरोज है कोई नहीं जानता। इसका प्रॉब्लम ये है तरबेला में यूजुअली आप सिल्ट रिमूव करते हैं, वहाँ पे सिल्ट इंक्रीज करती है, वो डैम को बड़ा करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से 50 किलोमीटर के रेडियस में वो जो इम्प्योरिटीज़ है वो पानी के साथ पेनिट्रेट करते हैं, वाटर टेबल में जाती हैं, और वहाँ कोई ना कोई डिफेक्ट है जो अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें वो डिसेबिलिटीज आ रही हैं। बट मैं इस तरह वो उन बच्चों को मैं दुनिया में लोगों के सामने ले गया और अल्लाह सुबहान तआला उन फरिश्तों को सलामत रखे, हर बच्चे को किसी ने ओनरशिप ले लिया फॉर लाइफ टाइम। और दुनिया में आपने फिरोज भी जो बात किया, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अब आपसे मुलाकात होगी, इसके बाद इज नो एंडिंग, नेक्स्ट शो पे मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।